Yes, sir. My dear friends, good morning, good afternoon, good evening. I hope examination आ रहे हैं. October month चल रहा है. So I hope you all are doing at your best. So आज ये video आपके लिए record कर रहा हूँ. Revision test paper for November 19 exams. November 19 के लिए जो RTP आया ICAI का for indirect tax. Let's begin with that. Okay, sir. तो शुरू करें हम without wasting your time. Okay. I hope आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और you are confident. Don't lose your confidence and डर तो लग रहा होगा आपके लिए आपको भी इस एग्जाम्स के लिए पर हाँ डोंट वरी बी कॉन्फिडेंट डू योर बेस्ट दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रूव योरसेल्फ ओके सर तो आरटीपी फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सर शुरुआत के 10 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ स्क्रीन पर भी मैंने आपको आरटीपी दिख रहा होगा सर दिस इज द आरटीपी फॉर सीए फाइनल नवंबर 2019 फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडवांस रूलिंग सर एडवांस रूलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है सर देखिएगा फर्स्ट पॉइंट ये ट्रू और फॉल्स है क्या करना है आपको देखना क्वेश्चंस ऑन विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट अंडर दिस एक्ट इंक्लूड रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सर रेट ऑफ टैक्स के लिए तो प्लेस के लिए तो एडवांस रूलिंग आप ले सकते हो पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स सेकेंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग इज नॉट पॉसिबल वंस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हैज पास्ड ऑन द ऑर्डर सर दिस इज अगेन फॉल्स क्योंकि अगर अगर एडवांस रूलिंग को लगता है कि ऑर्डर सही पास नहीं हो तो विद इन सिक्स मंथ दे कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक ओके तो ये फॉल्स हो गया थर्ड द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग शैल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन परफेक्ट सर 90 डेज के अंदर वो अपना रूलिंग पास कर देंगे देन क्या है करेक्ट सर थर्ड आंसर फोर्थ है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में एक्सेप्ट एप्लीकेशन इवन इफ द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग और Decided in any proceeding under the provisions of the CGST Act by the applicant. No, sir. सरकार अगर उस applicant का कोई matter already pending है या already ये matter जिसके लिए उसने advance ruling के लिए apply किया है उसका decision आ चुका है किसी भी proceeding में then it is not eligible for advance ruling. तो सर ये again क्या हो गया है False. Point number five. Authority for advance ruling may by order declare such advance ruling void ab initio if it finds that such ruling is obtained by suppression of facts and fraud or misrepresentation of the fact perfect sir this is correct to dekha jaye so out of all these five points point number 1 2 false point number 3 true then false then true so sir aapka answer a is the correct answer done sarkar aapne ka note kiya ho to agar aapko advance ruling ke provisions acche se aate hai to aap logo ke liye mcqs ho ya case study ho ya aapke liye कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाए किसी भी फॉर्म में बन जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर ओके तो ध्यान रखना सर आपको लो पार्ट पे फोकस करना है एग्जामिनेशन डे आपका लो पूरा रिवाइज होना चाहिए नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज मेसर्स लेक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्रूट जूसेस ओके इट परचेजेस प्लास्टिक बॉटल्स एंड कार्डबोर्ड एंड सेंड्स द सेम फॉर अफिक्सिंग स्टिकर्स ऑन प्लास्टिक बॉटल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस फ्रॉम कार्डबोर्ड टू अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर मेसर्स हैमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ओके सर लेक्स इज द प्रिंसिपल हैमर इज द जॉब वर्कर ओके सर जॉब वर्कर क्या है गुड्स बेचता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज रॉ मटेरियल्स आर सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर टू द प्रीमिसेस ऑफ जॉब वर्कर हम क्या करते हैं प्रिंसिपल क्या करता है सर सप्लायर कैसे परचेस करता है डायरेक्ट जॉब वर्कर क्या बेचता है नाउ लेक्स लिमिटेड बुक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेस ऑफ सच आइटम ओके सर वो परचेस करता है आईटीसी लेता है यस अलाउड है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सर अगर आपने कोई इनपुट परचेस किया डायरेक्टली जॉब वर्कर के भेजा है तो जिस दिन उसको रिसीव हो जाएगा उस दिन प्रिंसिपल कैन अवेल द आईटीसी ओके सर देन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन दिस रिगार्ड ओके ट्रांजैक्शन क्या हुआ नेक्स्ट पेज पे आइए अच्छा आपका और सिलेबस हो या न्यूज सिलेबस हो दोनों के लिए आरटीपी है वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर दे रखा है इनपुट टैक्स पेड ऑन सच गुड्स दे रखा है जो उसने आईटीसी लिया होगा प्रिंसिपल ने डेट ऑफ परचेस ऑफ गुड्स बाय लेक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड दिया है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय मेसर्स हैमर इंडस्ट्रीज दिया है जॉब वर्कर को कब रिसीव हुआ है ध्यान रखिएगा जॉब वर्कर को जब रिसीव होगा उस दिन हमको आईटीसी मिलेगा नेक्स्ट दे रखा है क्या डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम द हैमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ओके सर जॉब वर्कर को गुड्स कब भेजा वो दे रखा है और जॉब वर्कर से कब रिसीव हुआ वो दे रखा है ओके सर अब देखते हैं हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है डिटरमाइन द टोटल अमाउंट टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मेसर्स लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 143 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इग्नोर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स व्हेन द अमाउंट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कब ऐड करना है उसको इग्नोर करो पर यस ये निकालना है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना ऐड करना है अगर आपने सेक्शन 143 का वायलेशन किया
माइंड इट, ये सेक्शन नंबर 143 की बात कर रहा है, 143 और कुछ भी मीनिंग हो उसका मतलब नहीं है। ओके तो सर सेक्शन नंबर 143 में लिखा है कि अगर आपने इनपुट जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है तो यस आपको क्रेडिट मिल जाएगा जब इनपुट, अगर आपने सप्लायर के यहाँ से डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है तो जब जॉब वर्कर को रिसीव होगा हमको आईटीसी मिल जाएगा। पर कंडीशन क्या है, जब उसको रिसीव हुआ वहां से वन ईयर के अंदर वो इनपुट हमको वापस आ जाना चाहिए। हमको अगर रिसीव बैक नहीं हुआ तो हमको जितना आपने आईटीसी लिया था उतना आउटपुट एक्स लाइब्रेरी में एड करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। क्लियर, ये प्रोविजन है। अब देख लेते हैं हमको कि सर ये इनपुट हमको एक साल में रिसीव हुए कि नहीं हुए। अच्छा वन ईयर कब से काउंट होगा, जब जॉब वर्कर को गुड रिसीव हुआ वहां से वन ईयर काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। ओके सर तो अपने लिए डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स रिलेवेंट नहीं है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय मेसर्स हेमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट डेट का है 15th of July 2017। सर इस दिन उसको रिसीव हुआ, उसके वन ईयर में रिसीव हो गया हमको, रिसीव बैक हो गया कि सर हमको, परफेक्ट 12th जुलाई को रिसीव हो गया, नो रिवर्सल रिक्वायर्ड, नो आउटपुट एक्स लाइबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। 27th of September 2017 को उसको रिसीव हुआ और हमको आया कब, 13th of October 2018, मतलब एक साल के बाद। तो यस इसका जो आईटीसी इसने लिया होगा अवेल किया होगा 24,000 पे, ये आउटपुट एक्स लाइबिलिटी में ऐड करना है, तो एक हो गया 24,000। ओके नेक्स्ट 25 दिसंबर को रिसीव हुआ, ओहो 25 दिसंबर 2017 और हमको रिसीव बैक हुआ, प्रिंसिपल को रिसीव बैक हुआ 16th ऑगस्ट 2019 आफ्टर वन ईयर। अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में इसका जो आईटीसी वो रिवर्स जो ऐड करना पड़ेगा 96,000। तो 24,000 और 96,000 हो गया 1,20,000। ओके 25 जनवरी को जॉब वर्कर को रिसीव हुआ और उसने हमको वापस भेज दिया कब, 23rd of January विद इन वन ईयर, नो डाउट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई रिवर्सल नहीं करना है। देन लास्ट केस 26th ऑफ फरवरी को उसको रिसीव हुआ और उसने हमको भेजा कब, 28th ऑफ फरवरी को, ओहो अगेन वन ईयर के बाद, मतलब अगेन आउटपुट एक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट कितना है 42,000। तो 1,20,000 प्लस 42,000 कितना हो गया सर, 1,62,000 इज द टैक्स का अमाउंट जो उसको आउटपुट एक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। क्लियर डन। तो सर आंसर इसका क्या, डी 1,62,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, डन सर। सर आइए क्वेश्चन नंबर 3, अगेन अगर आपको प्रोविजन आते तो क्वेश्चन आराम से सोल्व होंगे, ध्यान रखिएगा। ओके सर क्वेश्चन नंबर 3 सेज मिस्टर राहुल रॉय प्रोवाइडर ऑफ मेसर्स रॉयल्स कंपनी इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शू विद द ब्रांड नेम ऑफ जुनून। अरे वाह माहौल। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन दिल्ली रजिस्टर्ड इन जीएसटी, हाउएवर ड्यू टू लो प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस ही हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर दिलीप तिजोरी। ओहो दिलीप तिजोरी नाम जबरदस्त। मिस्टर दिलीप तिजोरी इज ऑलरेडी रनिंग द बिजनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग शू under the proprietorship firm named as Messrs Hawaii Shoe and Company which is located in Mumbai registered in GST। okay sir delhi mein already existing business hai jisko transfer karna hai mumbai wale person ko isna business bechna hai। rahul roy has approached you to help him with the issue of transfer of unutilized itc in the electronic trade ledger of Messrs royal shoe and company to Messrs Hawaii Shoe and Company। okay sir usko itc transfer karna hai unutilized, kya ye kar sakta hai, bilkul kar sakta hai sir agar aapko yaad ho। तो सरकार ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अगर होता है तो आईटीसी कैन बी ट्रांसफर्ड। क्लियर, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस अगर हमारे पास पड़ा है तो यस आई कैन ट्रांसफर द क्रेडिट। आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करना पड़ता है, याद आया सर आपको, सर रूल नंबर 41 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। ओके सर एडवाइस मिस्टर राहुल रॉय विद करेक्ट ऑप्शन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। ओके करेक्ट ऑप्शन कौन सा बताइएगा इसको। ए पॉइंट है क्या, मेसर्स रॉयल शू एंड कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। ओके आगे पढ़ने का ही नहीं, स्टेटमेंट रहता है क्योंकि आईटीसी ट्रांसफर हो सकता है। बी पॉइंट, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा, मेसर्स रॉयल शू एंड कंपनी कैन ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर टू मेसर्स हवाई शू एंड कंपनी एंड इट कैन फर्दर बी यूटिलाइज्ड इन सेटिंग ऑफ लायबिलिटी ऑफ सक्सेडिंग पीरियड फॉर सक्सेडिंग पीरियड। बिल्कुल सही जवाब। तो सर ये बिल्कुल सही है, आगे देखते हैं सीओडी। Messrs Royal Shoe and Company can transfer unutilized ITC in electronic trade ledger to Messrs Hawaii Shoe and Company and it can be further utilized in setting of liability for the period up to month of September। ऐसा कोई लिमिट तो ही नहीं सर कि सितंबर मंथ तक ही आप यूज कर पाएंगे, नहीं नहीं, क्रेडिट पास हो जाएगा सक्सेडिंग कंपनी को और वो क्रेडिट को यूज करेगा, यूज करेगा, कोई लिमिट नहीं उसके। तो अगेन सी इज द फॉल्स आंसर, Messrs Royal Shoe and Company cannot transfer the unutilized ITC, बिल्कुल गलत जवाब। तो आपका आंसर है बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर डन। फोर्थ क्वेश्चन, an appeal to the High Court can be filed under the CGST in the following cases। सर High Court को अपील जाती है, अगर आपको याद हो तो सर ट्रिब्यूनल GST AT का
स्टेट बेंच और एरिया बेंच के अगेंस्ट हाईकोर्ट को अपील जाती है सर, और क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो एक जाएगी अपील कहाँ, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? ओके, इसने हाईकोर्ट को पूछा है, हम बात करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, नेशनल बेंच या रीजनल बेंच ने अगर कोई ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया था सर। देखते सर अपील हाईकोर्ट में कब जाएगी, क्वेश्चन है। पॉइंट पॉइंट नंबर वन, बाय अ पर्सन अग्रीड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, बिल्कुल सही जवाब। बाय अ पर्सन अग्रीड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय नेशनल बेंच और रीजनल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, गलत जवाब। फॉर मैटर्स इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही जवाब। ऑल ऑफ द अबव, नहीं सर। तो आंसर है वन एंड थ्री करेक्ट, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, बी इज द करेक्ट आंसर, डन। फिर मेसर्स रीना बेनर्जी इज एंगेज इन रिटेल बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, जय श्री राम सर। शी हैज इफेक्टेड सप्लाईज टू द कस्टमर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के स्टेट में वो गुड्स बेचती है सर, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई किया है इसने। ओके, देखते आगे क्या बताया। हर टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च xx इज रुपीज 80 लाख। ओके, 20 लाख क्रॉस नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सर इंटरस्टेट सप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था। देखते आगे क्या बोला इसने। Owing to low profit margins in the business, she decided to shut down the business in April. Okay, next year के अप्रैल में बिजनेस बंद करना है इसको। Okay, done. The proper officer has collected evidences of interstate sale of mobile phones affected by Messrs. Reena Banerjee during the financial year ending 31st March. Okay. Now the proper officer wants to make the assessment as she was liable for registration but did not get herself registered in GST. Okay, sir. इंटरस्टेट सप्लाई अगर आप करते हो तो ऐसे केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इसमें सेक्शन 24 आपको पता है, और ऐसे केस में उसने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया तो असेसमेंट डिपार्टमेंट कर पाएगा। अब डिपार्टमेंट करेगा तो क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर बाय डिटरमाइनिंग व्हिच असेसमेंट कैन बी डन इन दिस केस अंडर द सीजीएसटी एक्ट। सर आपको अगर याद हो तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट कर सकता है, तो सेल्फ असेसमेंट नहीं है, प्रोविजनल असेसमेंट नहीं हो सकता है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, स्पेशल असेसमेंट तो उन्हीं केस में था जब असेसी की लायबिलिटी है और वो देयर इज अ चांस कि वो भाग जाएगा, क्लियर सर, तभी वो हो सकता है। तो सर पॉइंट नंबर सी, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज द करेक्ट आंसर, डन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, फ्यूरी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अमाउंट $5 lakh फ्रॉम अ यूएस बेस्ड क्लाइंट। ओके सर, Fury Limited is unable to supply the entire services from India and asked NIC Incorporation Mexico, who is not an establishment of Fury Limited, to supply a part of the services, that is 40% of the contract value, to the US client. Okay, sir. Fury Limited raised the invoice for entire value of $5 lakh, but US client paid $3 lakh to Fury Limited and $2 lakh directly to NIC Limited, NIC Incorporation of Mexico, which is approved by a special order of RBI. Sarkar, हमने प्लेस सप्लाई पढ़ते हो, इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर था, हमने पढ़ा भी था। ओके सर, आरबीआई की परमिशन के बाद अगर इन्होंने $2 lakh डायरेक्टली नेक इनकॉर्पोरेशन को पे कर दिया तो भी मानेंगे कि डॉलर पूरा 5 लाख इंडिया में आया है, 3 लाख तो आ गया। अच्छा 2 लाख अगर हमारे पास आता हम उसको पे करते, बात बराबर था सर, आरबीआई ने परमिशन दे दिया तो 2 लाख अगर उसने डायरेक्टली डॉलर उसको दे दिया मैक्सिको वाली कंपनी को, वो 3 लाख हमको दिया तो हम मानेंगे कि हमको पूरा ही 5 लाख रिसीव हो गया। ओके सर, फ्यूरी लिमिटेड ऑल्सो पेड आईजीएसटी 18% on services imported from NIC Incorporation Mexico, उसने IGST पे किया import services क्योंकि Mexico वाली services, Mexico वाली company ने services Indian company दी और Indian वाली company ने file की पूरी services किसको दी है, US वाली company को। Okay, assuming all the conditions of section number 2 clause 6 of the IGST Act are fulfilled, determine the value of export of services. Sir, value of export of services कितना होगा, पूरा file होगा, put no doubt on that. So point number B, sir, B is the correct answer. पूरा 5 लाख इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्लियर। ऑल्दो $3 lakh ही इंडिया में आया, पर सर 2 लाख डायरेक्टली आपने अगर नाइक इनकॉर्पोरेशन को दिलवा दिया आफ्टर अप्रूवल ऑफ आरबीआई तो मानेंगे कि आपको 5 लाख पूरा रिसीव हुआ है इंडिया में और अदर कंडीशन इसमें फुलफिल करी, इसलिए मानेंगे 5 लाख इज द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का वैल्यू। ओके, माहौल डन सर। पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका, बजा पक्का 100% सर, ध्यान देना सर, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपके कवर होंगे, बहुत अच्छे से आप सोल्व कर पाएंगे सर, बी फोकस्ड हियर ओनली। ओके, मिस्टर खिलाड़ी कुमार जबरदस्त इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, द कंपनी हैज ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन मुंबई एंड इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। ओके, खिलाड़ी कुमार हैज डिसाइडेड टू सेंड फूड ग्रेन्स एंड अदर रिलीफ मटेरियल वर्थ ₹5 lakh एंड ₹20 lakh रेस्पेक्टिवली थ्रू रेलवे एंड एयरवेज टू द साइक्लोन हिट विक्टिम्स इन केरला इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके सर, साइक्लोन हिट विक्टिम्स इन केरला को अगर आप रिलीफ मटेरियल भेजते हो
थ्रू रेलवे भेजते हो, थ्रू वेसल भेजते हो, थ्रू जीटीए भेजते हो, तो उनके फ्रेट पे जीएसटी एग्जेंप्ट होता है, इस पर मेगा एग्जेंप्शन लिस्ट पर बाय एयरवेज भेजते हो टैक्स लगता है सर उसके फ्रेट के अमाउंट पर। ओके, देखते क्वेश्चन क्या पूछा है। द कंपनी हैज कॉन्टेक्टेड सुपर एयरलाइंस एंड इंडियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम मुंबई टू केरला। Price for the same has been determined as rupees 10 lakh by the air and rupees 50,000 by the railways, excluding taxes. Mr. Kiladi Kumar, seek your help to determine what amount of GST is to be paid to Super Airlines and Indian Railways. If applicable, GST rate is 18%. Sir, simple सी बात ये है कि by airways जो goods जा रहा है, उस पे GST लगेगा। By railway से जो goods transport हो रहा है, उस पे GST नहीं लगेगा। Railway के लिए freight rate 10 lakh रुपये, तो 10 lakh पे 18% होता है कितना? 1,80,000 by railways को tax pay करना पड़ेगा। और airways 1,80,000 बाय एयरवेज टैक्स पे करना पड़ेगा, और रेलवे 50,000 भी है, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो आपका आंसर नंबर ए, सुपर एयरलाइंस को 1,80,000 की लायबिलिटी आएगी जीएसटी की, और इंडियन रेलवे को नील लायबिलिटी आएगी, इज द करेक्ट आंसर। डन, आगे देखना ही सबको। आइए क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 7, डिडक्टिव वैल्यू ऑफ द कस्टम्स डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स रूल 2007 डिटरमाइन द प्राइस यूनिट प्राइस इन ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। सर, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी होता है जिस प्राइस पे हाईएस्ट क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर डे सेल होता है, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। ओके, रूल नंबर 7 के पर्पस के लिए ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी क्या होगा? ए लिमिटेड मेक्स टू सेल्स, इन फर्स्ट सेल 500 यूनिट्स वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 95 एंड इन द सेकंड सेल 400 यूनिट्स आर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 100। ऑब्वियसली 500 यूनिट्स आर हायर देन 400 यूनिट्स, सो 95 इज द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी वाला प्राइस, यूनिट प्राइस इन द greatest aggregate quantity, 95 is the correct answer, so A is the correct answer. Done. Question number 9, customs ka dekhiye sir. Which of the following combinations is correct? Okay. Situation number 1, goods pilfer agar hota hai, to no liability pe custom duty hota hai. So 1 and 2 is correct. Matlab situation 1 or consequence 2, correct. Second situation, goods lost or destroyed, to aise case mein remission milta hai. So sir, situation 2 and consequence 3, correct. गुड्स डैमेज्ड और डेटोरेटेड, सेक्शन नंबर 21 बोलता है क्या, 22, कि ऐसे केस में क्या मिलेगा आपको? अबेटमेंट मिलेगा। तो सर सिचुएशन नंबर 3 एंड 1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 1, तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है कहां? आंसर नंबर सी में, तो करेक्ट आंसर इज सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू ड्रॉबैक प्रोविजंस अंडर सेक्शन नंबर 74 एंड सेक्शन नंबर 75 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। नॉट करेक्ट, अच्छा आपने वो निकालना है, इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? ओके, देखते हैं सर। व्हाइल ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 74 इज पेएबल, अच्छा 74 75 याद आया, 74 आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया वही गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, 75 आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, आपने आउटपुट गुड्स बनाया और फिर उसको आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। ओके सर, while drawback under section 74 is payable when duty paid goods are re-exported, drawback under section 75 is payable when imported goods are used in manufacture of export goods, correct answer hai sir, matlab this is correct, aap logo nikala kaun sa correct nahi, this is correct। while the rates for drawback under section 74 are fixed, jaise without use kiya to 98% hai, use karke kiya to 95 85 aur wo alag provision de rakhe, so fix hai sir, theek hai। a manufacturer may seek a special rate for drawback under section 75, yes सेक्शन नंबर 75 में आप स्पेशल ब्रांडेड के अप्लाई कर सकते हो, पर 74 में ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, तो करेक्ट है क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 भी करेक्ट। इन केस ड्रॉबैक इज नॉट पेड टू द एप्लीकेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द एप्लीकेशन, द इंटरेस्ट हैज टू बी पेड टू द एप्लीकेंट इन बोथ द केसेस, बिल्कुल सही जवाब, सेक्शन नंबर 75 ए कहता है क्या, अगर गवर्नमेंट ने आपको ड्रॉबैक विद इन 1 मंथ नहीं दिया, तो आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 मंथ असेसी विल गेट द इंटरेस्ट अंडर बोथ द सेक्शन, नो डाउट, बिल्कुल सही जवाब। ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड इन केसेस वेयर मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम, बिल्कुल सही जवाब, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम, तो बोथ द केसेस में आपको कभी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो सर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, तो आंसर बी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो सर इसी के साथ ये 10 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू थे आरटीपी के अंदर खत्म होते हैं। अब इसके बाद हमारे जो डिटेल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं दोज विल बिगिन। तो सर आई होप एमसीक्यू सारे आपको समझ में आए, सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर है। तो सर एमसीक्यूज अगर आपने देखा हो तो सर आपको नीड नॉट वरी फॉर एमसीक्यूज, आपको 1,000 एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं सर, अगर आपने सफिशिएंटली एमसीक्यूज कुछ प्रैक्टिस लेकर लिए है और अगर आपने प्रोविजन अच्छे से रिवीजन कर लिया है, तो सर आई होप आई थिंक मेरे आपके हिसाब से और मेरी ओपिनियन के हिसाब से एवरीथिंग इज फाइन फॉर एग्जाम्स। तो सर आपको लो पार्ट पर ध्यान देना है, प्रोविजन आपके क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट हमेशा प्रैक्टिकली क्लियर होने चाहिए।
ओके तो सर ये हो गया एमसीक्यू पार्ट. नेक्स्ट विल बिगिन विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वगैरह, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 11. ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. देखिए सर, चाणक्य अकेडमी इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. सर वैसे आपको बता दूं मैं, ये सेम क्वेश्चन अपनी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर 9, इलेक्शन नंबर 62, पेज नंबर 460, 1830 में दिया हुआ है सर, सेम क्वेश्चन. ओके ये लास्ट टाइम भी आरटीपी या एमपी में था. ओके चाणक्य अकेडमी इज रजिस्टर्ड इन द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ यूपी. द अकेडमी रन्स द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन: केशव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केआईटी, अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन गाजियाबाद. सर ये कॉलेज है जानना. केआईटी ऑल्सो रन्स डिस्टेंस लर्निंग पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स. एग्जाम्स फॉर सच प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड इन द सिटीज इन द सिलेक्ट सिटीज एट सेंटर्स अपॉइंटेड बाय केआईटी. ऑल द इंजीनियरिंग कोर्सेज इंक्लूडिंग डिस्टेंस लर्निंग पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम रन बाय केआईटी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट सर. ब्रैकेट में द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के थ्रू ये क्या है, अप्रूव्ड है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, टाइमिंग इन फोर्स है. इसका मतलब क्या हो गया सर, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में आ गया कॉलेज. ओके सेकंड है क्या, लिटिल मिलेनियम अ प्री स्कूल इन लखनऊ. ओके अगेन स्कूल है सर, प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, तो ऐसे केस में ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में आता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, मेगा एग्जामिनेशन. ओके सर नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे. ब्राइट माइंड्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर. ओहो कोचिंग इंस्टीट्यूट है. The institute provides coaching for Institute of Banking Personnel Selection Probationary Officers Exam. Okay, ठीक है साहब, ये coaching institute है, ये educational institution की definition नहीं आता है. Now, Spring Model is a higher secondary school affiliated to CBSE board. Okay, सरकार ये educational institution की definition में आता है, मतलब KIT, then आपका Little Millennium, then Spring Model. ये तीनों तो आपके educational institution की definition में आएंगे और coaching institute Bright Mind educational institution की definition में नहीं आएंगे. ओके सर, द अकेडमी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन रन बाय इट ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू सितंबर. सर आपके पास अभी इसका ये पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करेंगे. हमको आपके हाथ में पेन चाहिए, ये पीडीएफ फॉर्म चाहिएगा सर, सॉरी प्रिंट आउट चाहिएगा आपका आरटीपी का. ओके सर तो आपके पास रखिएगा प्रिंट आउट इसके क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो स्क्रीन आपकी वो एक ही सॉल्यूशन वाली. ओके तो एक बार हम देख लेते हैं पहले किस क्वेश्चन ने अपने से पूछा क्या है. ये तो बोला है क्या, अकेडमी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन रन बाय इट फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर. इसने जो खर्चे किए, जो परचेज किया, सर ध्यान रखना मेगा एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन ये. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम टू, सर याद है पांच सर्विसेज, क्लियर, उससे रिलेटेड पॉइंट आएंगे इसके अंदर. ओके सर एक बार देखते हैं इसने एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा, अल्टीमेटली अपने करना क्या है. ओके नेक्स्ट, ये तो बहुत सारा इसने परचेज दे दिए, देन नेक्स्ट दे रखा उसकी रिसीट ये रही, फॉलोइंग इसने ट्यूशन फी इतना लिया, ट्रांसपोर्ट फी इतना चार्ज किया. ओके ये रहा अपने को अल्टीमेटली इसने पूछना क्या है. विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इफ एनी ऑन द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर बाय द वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द चाणक्य अकेडमी. ओके सर इसने जो परचेज किया है, जो रिसीव किया है, उस पर कितना जीएसटी पे करना है, ये अपने को निकालना है. फर्स्ट तो ये है क्वेश्चन. सेकेंड है, कम टू द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ चाणक्य अकेडमी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व फ्रॉम द फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर. इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व कितना पे करना, मतलब इसकी लायबिलिटी कितनी है, क्रेडिट कितना है इसके पास, और कितना इसको नेट पे करना है, ये अपने को निकालना है. ओके ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल. वेरी गुड नोट्स. द रेट ऑफ जीएसटी इन गुड्स इज 12%, कैटरिंग सर्विस 5%, एंड ऑन अदर सर्विसेज इट इज 18% इफ एप्लीकेबल. Wherever relevant, all the conditions necessary for availing ITC have been complied with. Okay, जहां भी required है इसने ITC के लिए conditions पूरी करी हुई है. Okay साहब, देखते हैं अब हम इसने जो purchase किया, उसमें से कौन-कौन से taxable, कौन-कौन से exempt है. Okay, सर अगर solution चाहिएगा तो मैं अलग screen करूंगा, आपको वहां पर print out रखना होगा आपने हाथ में RTP का. देखिए first point क्या है, ये उसने various purchase किया, वो आ गया सर. Printing services for printing the question paper, paper and contents are provided by इंस्टीट्यूशन. ओके सर पेपर और कंटेंट तो हमने दे दिया, इंस्टीट्यूशन ने दे दिया, और इसने जो परचेज किया वो प्रिंटिंग सर्विस परचेज करी है, केआईटी ने परचेज करी 2,50,000 की. लिटिल मिलेनियम जो स्कूल है उसने कुछ परचेज नहीं किया, क्योंकि प्ले स्कूल के अंदर क्या होगा सर, एग्जाम होंगे नहीं. देन ब्राइट माइंड जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसने परचेज किया 1,50,000 की सर्विस, स्कूल ने परचेज किया 2,00,000 की सर्विस. सर प्रिंटिंग सर्विस इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन, सर का ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर है सर ये. एनी सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी सर्विसेज रिसीव्ड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन.
है सर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये कोई भी इंस्टीट्यूट भले वो कॉलेज हो, स्कूल हो या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, सबके लिए एग्जाम होता है। बस कोचिंग क्लास के लिए एग्जाम नहीं होगा, तो इसके केस में केआईटी के लिए एग्जाम हो गया, ब्राइट माइंड के लिए टेक्स्ट हो जाएगा और स्प्रिंग मॉडल के लिए क्या हो जाएगा एग्जाम। ओके तो सर सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। ओके यहां हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, चार कॉलम ड्रॉ करेंगे, ओके ठीक है सर। तो केआईटी, लिटिल मिलेनियम, देन ब्राइट माइंड्स एंड स्प्रिंग मॉडल, ओके सर ये चार आ गए। अभी हम सबसे पहले जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं परचेज पे कितना टैक्स पे करना है इसको। ओके फर्स्ट पॉइंट था इसका प्रिंटिंग सर्विसेज, प्रिंटिंग सर्विसेज इसमें ये एग्जिम्ड है, इसमें इसने कुछ पे किया ही नहीं है, यस ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा सर्विस है, एनी सर्विस अदर देन कैटरिंग सर्विस रेट ऑफ टैक्स इज 18%, सो 1,50,000 इनटू 18% ये आपका अमाउंट आएगा टैक्स का, इसको परचेस पे करना है और स्कूल के लिए एक दिन एग्जम्प्ट हो गया। ओके सर सेकंड आएगा पेपर प्रोक्यूर्ड फॉर, पेपर परचेज किया इसने फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर सरकार मेगा एग्जिबिशन लिस्ट में जो एग्जिबिशन दिए वो दिए सर्विसेज के, गुड्स एग्जिम नहीं है। इन्होंने गुड्स परचेज किया, पेपर परचेज किया, टैक्सेबल होगा भले किसने भी परचेज किया, स्कूल ने किया, कॉलेज ने किया, किसने भी किया, टैक्सेबल रहेगा। तो और पेपर पे गुड्स पर टैक्स का रेट दे रखा 12% आपको क्वेश्चन में, ये 12% हो गया, सॉरी राइटिंग समझ मारी आपको, माहौल एकदम जबरदस्त। 258 इंटू 12% ये इसका लायबिलिटी आएगा। ओके परचेज पर थर्ड ऑनरेरियम टू पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनेशन एग्जामिनर्स नॉट ऑन रोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब ऑन रोल नहीं है मतलब वो एम्प्लॉय नहीं है। ओके इनको अगर पे किया है तो अगेन पेपर सेटर्स सर सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन, सर एग्जाम होती है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भले वो स्कूल हो कॉलेज हो कोई भी हो सर। ओके तो ऑनरेरियम पे किया किसने, कॉलेज ने, तो क्या हो गया भाई साहब एग्जाम, बाकी ने तो पे किया ही नहीं है। तो बेटर हम एक काम करते हैं डैश की जगह एग्जाम लिखते हैं, दैट विल बी बेटर बेटर प्रेजेंटेशन रहेगा सर हमारे लिए। एग्जाम ओके ओके डन सर। देन नेक्स्ट है क्या 104 रेंट फॉर एग्जाम सेंटर्स टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल्स एटसेट्रा फॉर कंडक्टिंग एग्जाम, सर अगेन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए सर्विसेज लिए कॉलेज ने लिए सर 104 में, क्या हो जाएगा मालिक एग्जेम्प्ट, देन लिटिल ने ली नहीं सर, यस 1,00,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो ली सर्विसेज वो हो जाएगी टैक्सेबल, डन सर। 105 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, सर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल केवल कॉलेजेस के लिए एग्जाम होता है, ध्यान रखना स्कूल के लिए एग्जाम नहीं होता है, ये अपलोड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स के लिए एग्जाम नहीं होता है। ओके सर कॉलेज के लिए एग्जाम होता है सर, तो पढ़ना हो 5 ये हो गया हमारा एग्जाम, देन बाकी सब के लिए टैक्सेबल हो जाएगा सर। सर्विस है 18% सॉरी एक मिनट, पढ़ना हो 4 भी क्या था सर्विस थी 18% आएगा, ये गलती हुई थी एग्जाम्स में, ध्यान रखना जल्दबाजी में। ओके नेक्स्ट 220 इंटू 18% देन 240 इंटू 18% ये इनकी लायबिलिटी आएगी परचेज पर, फिगर्स का ध्यान रखना सर गलती नहीं जाएगी। पॉइंट नंबर 6 हायर चार्जेस फॉर बसेज यूज टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्रॉम द रेसिडेंस एंड टू द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द रेसिडेंट टू इंस्टीट्यूट एंड बैक, ओके सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज याद आया सर आपको, केवल स्कूल के लिए सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर वो केवल स्कूल के लिए एग्जाम होता है, भले वो प्री स्कूल एजुकेशन हो या कोई भी स्कूल हो, सरकार कॉलेज के लिए टैक्स हो जाएगा,
कोचिंग टैक्स होता ही है सर। ओके तो सर स्कूल बसेस मतलब बस की सर्विसेज 480 इंटू 18% टैक्सेबल हो जाएगा। रेट ऑफ टैक्स कितना है सर वापस चेक कर लो, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स इज 12%, कैटरिंग पे 5%, अदर सर्विस पे 18% है। डन सर 18% है। ओके सर देन लिटिल मिलियन एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जम्प्ट। ब्राइट माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बस सर्विस टैक्सेबल है सर, माहौल। देन स्प्रिंग मॉडल स्कूल है, अगेन स्कूल है सर, ये क्या हो गया एग्जम्प्ट हो गया। ओके पॉइंट नंबर 7 हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते सर इसको। पॉइंट नंबर 7 कैटरिंग सर्विसेज फॉर रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस फॉर स्टूडेंट्स। अगेन कैटरिंग सर्विसेज केवल स्कूल के लिए एग्जम्प्ट होती है सर, किसी और के लिए एग्जम्प्ट नहीं होती है। ओके सर कैटरिंग सर्विसेज फॉर रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस फॉर स्टूडेंट्स ब्रैकेट में दिया है। कैटरिंग सर्विसेज फॉर केआईटी इंक्लूड अ सम ऑफ ₹60,000 फॉर कैटरिंग एट अ स्टूडेंट इवेंट। केआईटी इज अ कॉलेज एनीवेज, एट अ स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज इन अ बैंक्वेट हॉल आउटसाइड द कैंपस। कैंपस के बाहर किया या अंदर किया कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट के लिए, क्योंकि कॉलेज के एनीवेज वो टैक्सेबल होता है, केवल स्कूल के लिए एग्जम्प्ट है सर। ओके सर कैटरिंग सर्विसेज 320 रेट ऑफ टैक्स 5% सर ध्यान रखना, इनटू 5% देन ये हमारे एग्जम्प्ट है सर। 180 इनटू 5% कैटरिंग सर्विस ये हमारे हो गए क्या स्कूल के लिए एग्जम्प्ट। ध्यान रखना सर कैटरिंग सर्विस का आईटी से नहीं मिलता है, आगे पॉइंट आएगा काम का ये वाला। पॉइंट नंबर 8 सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूशंस। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज सर अगेन ध्यान रखना, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज क्लीनिंग हाउसकीपिंग सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर, वो केवल केवल स्कूल और प्री स्कूल एजुकेशन सर्विसेज देने वाले के लिए एग्जम्प्ट होता है। कॉलेज और अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वाले इंस्टीट्यूशन के टैक्सेबल होता है, तो कॉलेज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, स्कूल के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा सर ध्यान रखना। पर इसमें बात लिखी है कि सर्विसेज बाय वो क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर सिक्योरिटी परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब स्कूल में आपने परफॉर्म किया तो टैक्स माफ होगा, बाहर परफॉर्म किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। देखो इसने इन्फॉर्मेशन दी अपने को सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर स्प्रिंग मॉडल, स्प्रिंग मॉडल इज ए स्कूल इंक्लूड द सम ऑफ ₹80,000 पेएबल फॉर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग एट द स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज इन अ बैंक्वेट हॉल आउटसाइड द कैंपस। मतलब 80,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा कॉलेज को दिया तो टैक्सेबल ही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट दिया तो पूरा टैक्सेबल है, स्कूल के लिए एग्जम्प्ट होता है पर वो स्कूल के अंदर ही परफॉर्म होना चाहिए, तो जितना बाहर परफॉर्म किया उतना टैक्सेबल है सर। ओके तो सर 6,00,000 × 18% टैक्सेबल, देन स्कूल के लिए एग्जम्प्ट है सर, देन कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए टैक्सेबल हो गया, देन स्कूल है 465 एग्जम्प्ट पर आउट ऑफ 465 80,000 विल बी टैक्सेबल क्योंकि आउटसाइड द कैंपस परफॉर्म किया सर्विसेज। डन ओके तो ये सारी परचेज पे टैक्स खत्म होता है सर अब। ओके मालिक डन तो ये हो गया, ये परचेज इन सबको हम टोटल कर देंगे तो आपका परचेज भी टैक्स के लिए आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 इसने जो पूछा था हमसे। ओके डन ठीक है सर, इसका अमाउंट निकालिएगा और एंटर करना, कोई दिक्कत नहीं सर। द अकेडमी नेक्स्ट देखो सर इसमें क्या लिखा है, द अकेडमी फर्दर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर रिलेटिंग टू रिसीट्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन रन बाय इट ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू सेप्टेंबर। ओके इसको रिसीट कितना हुआ, इनकम कितना हुआ दे रखा है इसने, इनकम एंड पर्टिकुलर है, एक तो ट्यूशन फी है, एक ट्रांसपोर्ट फी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट दे रखा है। ओके आपको पता है सर्विसेज प्रोवाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, कोई भी सर्विस हो टैक्स नहीं लगता। एनी सर्विस प्रोवाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो सर ऐसे केस में ट्यूशन फी भी एक्सेम्प्ट हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट फी फ्रॉम द स्टूडेंट जो लिया है वो भी एक्सेम्प्ट हो जाएगा, भले वो कॉलेज ने लिया हो भले वो स्कूल ने लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ब्राइट माइंड इन्होंने जो बच्चों से फी लिया है केवल वो ही टैक्सेबल रहेगा। ओके तो सर ध्यान रखना ब्राइट माइंड की रिसीट कितनी है देख लो सर, नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं इसको। दिस विल बी टैक्सेबल ओनली फॉर ब्राइट माइंड्स। ओके हम निकाल रहे हैं क्या आउटपुट, आउटपुट पर टैक्स लाइव। ओके सर उसमें फर्स्ट है क्या ट्यूशन फी, कितना है मालिक
20 लाख सिंस ये आउटपुट सर्विस है, अदर सर्विस रेट दे रखा है 18%, ये टैक्स लगेगा। सेकंड है क्या, ट्रांसपोर्ट फी सर सेम कितना है 1,30,000 11.3 लाख इंटू 18%, ये आपका लायबिलिटी आएगा। ओके सर, ये जो आपका लायबिलिटी आएगा, ये टोटल लायबिलिटी आएगी, ग्रॉस लायबिलिटी आ गया। आपने से पूछा है कैश लायबिलिटी कितना पे करना है, हम लेस करेंगे क्या, आईटीसी अवेलेबल, याद आया सर, इसने परचेस पे टैक्स पे किया ना सर, हमने कैलकुलेशन किया इतना सारा, तो वो हम निकालेंगे। सर ध्यान रखना इसके अंदर हमने यहाँ पे टोटल फिगर नहीं निकाला है, फिगर आप निकालिएगा बस, जो भी यहाँ पर ये आपका ब्राइट माइंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसने परचेस जितना टैक्स पे किया टोटल आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे, इसमें से लेस करना क्या, ये कैटरिंग सर्विस वाला टैक्स, कैटरिंग सर्विस में जो टैक्स पे किया इसने 1,80,000 इंटू 5% आता है 9,000 रुपीज, ये 9,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा, कैटरिंग सर्विस ज्यादा है, ब्लॉक क्रेडिट में कवर है, तो ब्लॉक क्रेडिट में जो कवर है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है सर, 9,000 लेस कर देना इसमें से, बाकी अमाउंट का पूरा आईटीसी आपको मिल जाएगा। वो आप आईटीसी यहाँ लिख देना, लायबिलिटी आ गई अपनी, आईटीसी लेस हो जाएगा, ये नेट कैश पेएबल। ओके सर, कॉलेजेस वगैरह ने परचेस पे जो टैक्स पे किया, यहाँ पे जो टैक्स पेबल आएगा, यहाँ पे जो टैक्स पेबल आएगा, यहाँ जो टैक्स पेबल परचेस पे आएगा, ये परचेस पे टैक्स पे आ रहा है आपका, इसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी सेल पे कोई टैक्स नहीं लग रहा सर, क्लियर, कोई इंप्लीकेशन लायबिलिटी में नहीं आएगा। ये परचेस पे टैक्स पे किया आपने, ब्राइट माइंड में जो परचेस पे टैक्स पे किया उसका आपको आईटीसी मिलेगा, उसमें भी कैटरिंग सर्विस आईटीसी नहीं मिलेगा, एंड या लायबिलिटी आपकी केवल ब्राइट माइंड की आ रही आउटपुट लायबिलिटी पर, वो हमने लायबिलिटी यहाँ निकाल ली, क्लियर, आईटीसी लेस किया, रिमेनिंग आपका नेट कैश पेबल, दिस इज द फाइनल आंसर पॉइंट नंबर 2 का। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, क्वेश्चन खत्म होता है, अब भारत माता की जय। सर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, सर आई थिंक सारे पॉइंट आपको याद आ रहे हैं सर, आई थिंक सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट आपको समझ में आए। आइए सर क्वेश्चन नंबर 12, उसका ए पॉइंट, ऑलफिट लेबोरेटरीज लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बल्क ड्रग इन दिल्ली पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। सर अगर आपने बल्क ड्रग का नाम सुना तो सर शायद आपको वैल्यूएशन चैप्टर, जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 150 18th एडिशन इलेक्शन नंबर 65, एब्सोल्युटली सेम, केवल नाम चेंज हुआ है सर और कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा सेम है सर, ये भी लास्ट टाइम के आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए इसमें रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके फिर भी हम सोल्व कर लेते सर इसको, क्योंकि हम आरटीपी पूरा सोल्व कर रहे अभी, क्योंकि देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जो मेरा रेगुलर बेस क्लास नहीं पढ़ा है, या हो सकता है कोई दूसरी बुक आपने रेफर करी हो। ओके एनीवेज वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस आरटीपी। ऑलफिट लेबोरेटरीज लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बल्क ड्रग्स इन दिल्ली पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, इट मैन्युफैक्चर्स बल्क ड्रग एंड सप्लाइज द सेम इन द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट। ठीक है साहब, द बल्क ड्रग आर सप्लाइड विद इन दिल्ली एंड ओके सर आरटीपी ओके आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने होगा सर स्क्रीन पर। ओके आई विल प्रीफर कि आपके हाथ में पीडीएफ आपके हाथ में प्रिंट आउट हो आरटीपी का, तो आपके लिए बहुत अच्छा कन्वीनियंट रहेगा, पर फिर भी यस एनीवेज फॉर योर फैसिलिटी आरटीपी यहाँ पे भी आपके लिए। ऑलफिट लेबोरेटरीज लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बल्क ड्रग इन दिल्ली पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, इट मैन्युफैक्चर्स बल्क ड्रग्स एंड सप्लाइज द सेम इन द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट, द बल्क ड्रग्स आर सप्लाइड विद इन दिल्ली एज वेल एज इन द ओवरसीज मार्केट डायरेक्टली फ्रॉम कंपनीज वेयरहाउस व्हिच इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली। ओके For supplies in other states of the country, the company has appointed consignment agent in each such state. Okay, ठीक है साहब, agent appoint किया सर, agent का नाम आती है, ध्यान रखना सर, principal ने agent को supply किया, supply होता है। Okay, sir, however, the supplies in Gurgaon, हरियाणा में जो है, and Noida, UP, are affected directly from the South Delhi warehouse. ठीक है साहब, ठीक है। The drugs are supplied to concerned agents from South Delhi warehouse itself. Okay, sir. Allfit Laboratories Limited also provide drug development services to drug manufacturers located in India and including testing of their new drugs in its laboratory located in Delhi. Okay. Drug development service भी देता है ये, और जो drug आपने बनाया है उसका testing service भी हम देते हैं sir.
ओके अब तक क्वेश्चन बताया हम बिजनेस करते क्या है. द कंपनी इज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है पर हम पहले क्या देखेंगे कि अल्टीमेटली अपने को निकालना क्या है. क्वेश्चन क्या बोलता है. ओके अल्टीमेटली क्वेश्चन ही बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी. ओके सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी एज द केस में भी मतलब आपको सीजीएसटी अलग निकालना है एस अलग निकालना है और आई अलग निकालना है ऑफ ऑलफिट लेबोरेटरी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी विद अच्छा जनवरी मंथ का निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय इट फॉर द सेट पीरियड. ओके इसमें पॉइंट नंबर वन और टू में कुछ ट्रांजिशन दिए वो हम देखेंगे बाद में जब इसका रिलेवेंस आएगा. आपने को जीएसटी लाइट निकालना है और क्या दिया नीचे देख लेते हैं एक बार लास्ट में. ओके नोट दिया है ऑल द गिवन अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयर एवर एप्लीकेबल अज्यूम द जीएसटी रेट टू बी एज अंडर बल्क ड्रग पर रेट है 2.5 सी और एस और 5% अगर आईजीएसटी तो और बल्क डेवलपमेंट सर्विसेज पे 9% 18% और टेस्टिंग सर्विस भी 18% मानेगा क्योंकि इसने क्वेश्चन का टाइपिंग एरर हुआ है कुछ. ड्रग डेवलपमेंट सर्विस भी 18% रेट है और टेस्टिंग सर्विस भी 18% रेट है. बल्क ड्रग पे रेट कितना है 5%. ओके गुड सेल पे 5% है बाकी 18% रेट है सर्विसेज में. जीएसटी लाइट निकालना है सर. ओके ओके सर हम आ गए फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. कंपनी इज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ओके फर्स्ट है क्या एडवांस रिसीव टूवर्ड्स ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू ओरोकेम लिमिटेड अ ड्रग मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन दिल्ली. ओके drug development services have been provided in february and invoice is also issued in 20th february matlab february mein isne services di hai invoice february ko issue kiya par sir ye services hai aur services ke liye agar advance aaya to isi month mein liability aapka aayega to again mujhe is question ko solve karne ke liye solution nikalna padega sir. ओके सर हम अभी क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 12 में सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका. प्रिंट आउट रखिएगा अपने हाथ में सर. फर्स्ट है क्या एडवांस. अच्छा हम एक काम करते हैं कॉलम बना लेते हैं सर. ओके एक काम करते हैं इसको थोड़ा और शिफ्ट कर लेते हैं. सीजीएसटी लाइब्रेरी एसजीएसटी लाइब्रेरी और आईजीएसटी लाइब्रेरी. ओके कंफर्टेबल दिख रहा है आपको सर. गुड इलेक्शन 12 फर्स्ट पॉइंट है इसका एडवांस रिसीव्ड टुवर्ड्स ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू ओरकेम लिमिटेड अ ड्रग मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन दिल्ली इटसेल्फ. अच्छा दिल्ली में ही साहब तो ऐसे केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. एडवांस रिसीव हुआ है सर्विसेज टैक्स लगेगा. तो फाइल एक सर्विसेज है सर 18% रेट ऑफ टैक्स तो 9% सीजीएसटी. फाइल एक इनटू 9% इज द एसजीएसटी. ओके आई नहीं आएगा. सेकंड सर एडवांस रिसीव्ड फॉर बल्क ड्रग बल्क ड्रग्स टू बी सप्लाइड टू नोविक pharmaceuticals a wholesale dealer of drugs in Gurgaon Haryana. Invoice for the goods is issued at the time of delivery of the drugs in March. Sarkar goods hai March mein supply kiye advance agar receive bhi ho gaya aapko tax pay karne ki zarurat bilkul bhi nahi hai sir. Okay to clear hai sir aapko to koi tax pay nahi karna hai. Third point supply of bulk drug to wholesale dealers of drugs in Delhi. Acha Delhi ke Delhi mein isne supply kiya CGST aur SGST lagega sir. और सप्लाई की एक्चुअली 60 लाख इंटू 2.5% 60 लाख इंटू 2.5% डन. ओके देन बल्क ड्रग सप्लाई टू एंकर फार्मास्यूटिकल्स इनकॉर्पोरेशन यूएसए अंडर बॉन्ड
कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, सर इसने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और अंडर बॉन्ड किया है, आप कभी भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो बॉन्ड साइन करते हो तो यू नीड नॉट पे एनी जीएसटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स, तो आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने बॉन्ड साइन नहीं किया होता तो आपको आईजीसी पे करना होता, उसके बाद में उसका रिफंड मिलता है। ओके, तो इसने सिंस बॉन्ड साइन किया है, एक्सपोर्ट किया है, फॉरेन करेंसी रिसीव हुआ है, नो लायबिलिटीज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम। देन पॉइंट नंबर 5, ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सर्विसेज यूनिफार्मा लिमिटेड अ ड्रग डेवलपमेंट ड्रग मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन दिल्ली। ओके, दिल्ली में सर्विसेज दी है, दिल्ली से दिल्ली में सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन 9% 9% 6 लाख × 9% 6 लाख × 9% नो लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी टिल नाउ। ओके, फिर इसने फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय इट फॉर द फॉलोइंग पीरियड दे रखा है सर। पॉइंट 1, कंसाइनमेंट ऑफ बल्क ड्रग वर सेंट टू कार्डिनल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड एंड रोचेस्टर मेडिकोज एजेंट ऑफ ऑल फिट लेबोरेटरी लिमिटेड इन पंजाब एंड हरियाणा रेस्पेक्टिवली। ओके, पंजाब और हरियाणा में सर इसके कंसाइनमेंट एजेंट्स है सर, उनको इसने सप्लाई किया है कार्डिनल फार्मा। ओके, अच्छा, प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर सप्लाई किया होता है और एजेंट अगर आगे सप्लाई करा होता है तो प्रिंसिपल के ऐसे एजेंट को जाएगा तो वो सप्लाई होता है ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन किया था। शेड्यूल 1 डन। कार्डिनल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड एंड रोचेस्टर मेडिकोज सप्लाइड दीज ड्रग्स अंडर दियर इनवॉइसेस टू मेडिकल स्टोर्स लोकेटेड इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट फॉर 60 लाख एंड 50 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके सर, पहली बात तो ये प्रिंसिपल टू एजेंट क्या गुड जाता तो इट इज सप्लाई, और सर जब एजेंट आगे सप्लाई करता तो वो सप्लाई तो मानेगी मानेगी, वो एजेंट की लायबिलिटी होगी सर। प्रिंसिपल की लायबिलिटी क्या होगी जब प्रिंसिपल के ऐसे एजेंट क्या जाएगा तब, तो सर वैल्यू क्या होता है तो उसमें रूल नंबर 29 काम आएगा। रूल नंबर 29 बोलता है क्या, अगर ओपन मार्केट वैल्यू तो वो ले लो, नहीं तो रेसिपिएंट जो एजेंट है उसने आगे जो बेचा है उसका 90% विल बी द वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, क्लियर, जो सप्लायर ने सप्लाई किया उसके लिए। तो सिंस इसने ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा, पर इसने दे रखा कि उस कंसर्न एजेंट ने आगे कितने में सप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे जो आगे से तो सप्लाई किया उसका 90% विल बी आर वैल्यू। ओके, तो सर हम इसको पॉइंट नंबर 6 बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 में दो पॉइंट आएंगे सर, सिंस इसने दिल्ली से पंजाब और हरियाणा भेजा है मतलब वो आईजीएसटी की लायबिलिटी है इसे दोनों की, तो 60 लाख का 90% और गुड्स है सर ये तो 5% आईजीएसटी, और सेकंड है 50 लाख इसका 90% विल बी द वैल्यू और जो वैल्यू आएगा उसका 5% विल बी द आईजीएसटी की लायबिलिटी। ओके डन। देन है क्या, बल्क ड्रग हैव बीन सप्लाइड टू रोन मेडिकोज अ होलसेल डीलर ऑफ बल्क ड्रग इन गुड़गांव हरियाणा फॉर अ कंसीडरेशन रुपीज 15 लाख। ऑल फिट लेबोरेटरी ओन्स 72% शेयर्स ऑफ रोन मेडिकोज प्राइवेट लिमिटेड। सर 72% होल्डिंग है मतलब क्या है, अगर 72% होल्डिंग है इट मींस ये दोनों क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, और जैसे ही रिलेटेड पर्सन हो गए तो इसके केस में एक्चुअल कंसिडरेशन को हम नहीं लेंगे, हम देखते हैं वैल्यूएशन का रूल नंबर 28 क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू या उसने आगे सप्लाई किया उसका 90%, देखते जो भी इसने दिया। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ बल्क ड्रग सप्लाई टू रोन मेडिकोज प्राइवेट लिमिटेड इज रुपीज 30 लाख। Further, Rohan Medicos Private Limited is not eligible to avail the full input tax credit. Recipient को full ITC नहीं मिलता। Recipient को full ITC नहीं मिलता मतलब ऐसे केस में rule number 28 का open market value हम लेंगे value को। तो सर 15 लाख का actual bill बनाया था उससे हमें relevance नहीं है, हमें 30 लाख value लेना है, और since ये हरियाणा में है इसलिए IGST की liability आएगी सर। तो 30 लाख open market value आ गया into 5% IGST liability आ गया। Okay, then खत्म माहौल। सरकार यू आर रिक्वायर्ड टू मेक सुटेबल अजम्पशन वेरिएबल नेसेसरी, इससे आ जाएगा आपका क्या जीएसटी लायबिलिटी कितना पेबल आ रहा है। सर सर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब सी का अलग लायबिलिटी आ जाएगा, एस का अलग लायबिलिटी आ जाएगा और आईजीसी का लायबिलिटी अलग आ जाएगा इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्शन 12 खत्म होता है अब। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट और सारे प्रोविजन भी इसके साथ आपको रिपीट हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं सर, गुड पॉइंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं सर। यस सर, सो आरटीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रादा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज अ मनी चेंजर, इट हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सेम क्वेश्चन इलेक्शन 46 पेज नंबर 134 ऑफ चैप्टर नंबर 4 में अपने ऑलरेडी कवर है वाला। ओके, 1000 यूएस डॉलर। अच्छा एक बार आप देख लीजिए इसको करना क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन टर्म्स ऑफ रूल नंबर 32 सब नंबर 2 क्लॉज नंबर ए एंड बी बोलता है रूल नंबर 32 सब नंबर 2 सब नंबर बी ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। ओके सर, आपको क्या करना है, दोनों मेथड याद है, मनी चेंजिंग सर्विस में दो मेथड है, ऑप्शनल स्कीम और नॉर्मल स्कीम, दोनों से सोल्व करना है। ओके, पहले हम नॉर्मल स्कीम से करते हैं दोनों क्वेश्चन को और फिर हम ऑप्शनल स्कीम से करेंगे। ओके सर, 1000 यूएस डॉलर आर परचेज फ्रॉम नंदी एंटरप्राइज एट द रेट ऑफ 68 पर डॉलर, आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर डॉलर ऑन द डेट इज 68.60। तो नॉर्मल स्कीम में क्या होगा, आरबीआई रेफरेंस रेट अगर दे रखा है तो कंपेयर करेंगे आरबीआई रेफरेंस रेट से, तो 0.6 इज द कमीशन, 0.6 into 1000 मतलब सर
600 rupees the value of supply, और value of supply हो गया 600, इस पे लग जाएगा क्या GST, बात खत्म. Second है क्या, $2,000 are sold to Manavati at the rate of 67.50 per $ RBI reference rate for $ for that currency is not available. तो ऐसे केस में अगर किसी करेंसी का RRR available नहीं होता तो क्या करते हम, gross amount exchanged in INR, तो $2,000 into 67.50 जो भी आएगा, gross amount exchanged in INR उसका 1% shall be the value supply, उस पे लग जाएगा क्या GST. ओके सर, देन आएगा क्या ऑप्शनल स्कीम. ऑप्शनल स्कीम बोलता है क्या, अगर आपका ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR इज अप टू ₹1 lakh, तो ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR का ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR का 1% इज द वैल्यू सप्लाई. ओके, और 1 lakh से ऊपर जाएगा तो उसका हाफ. देखते सर इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन $1,000, इसका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है आरबीआई रेफरेंस से मतलब नहीं होता है सर, इसका रेट ऑफ एक्सचेंज है 68, तो 68 इंटू 1000 कितना हो गया 68,000. 68,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सिंस ये अप टू ₹1 लेके तो 1%, 68,000 का 1% 680 इज द वैल्यू सप्लाई ऑप्शनल स्कीम के केस में. सेकंड, $2,000 मल्टीप्लाई बाय 67.50 सर, अगर हम $2,000 को देखो सर, $2,000 को अगर हम 67.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,35,000, और अगर 1,35,000 आपका अमाउंट आएगा ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज, तो फर्स्ट 1 lakh पे तो 1000 नहीं है, नेक्स्ट जो 35,000 आया उस पे 0.5% ये जो आएगा वैल्यू सप्लाई, ये ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू सप्लाई आ जाएगा. दिस इज हाउ इट विल बी डन. ओके, तो कोई खास बात नहीं सर, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखो ध्यान से सर, अगेन क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 सर, दिस इज देयर इन चैप्टर नंबर 8 इलेक्शन नंबर 11 पेज नंबर 338 ऑलरेडी दिया हुआ है सर. मिस्टर जेड अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना procures goods from China and directly supplies the same to a customer in US with reference to the provisions of GST law. Determine whether the said activity of supply of goods by Mr. Z to customer in US is taxable in GST. If yes, determine the place of supply of the same. Pehli baat to ye, Hyderabad ka person China se goods purchase karke direct kaha bhej raha hai US without bringing those goods in India at all. So sir, aapko agar amendment batao to Schedule 3 CGST Act, sir, usme ek transaction add hua hai. Kya Schedule 3 mein kya cover hai? Following transactions are neither supply of goods nor supply of services. उसमें लिखा है non-taxable territory से goods purchase किया और without bringing the goods into India, अगर आपने non-taxable territory को मैं ही बेच दिया, तो ऐसे केस में it is neither supply of goods nor supply of service, इसलिए इस पे GST नहीं levy होगा. और since ये supply ही नहीं है, तो ऐसे केस में there is no question of place of supply at all. Done. ये था question number 14 part 1. Part 2. Priyank of Pune, Maharashtra enters into an agreement to sell goods to Bist of Bareilly, UP. While the goods were being packed in Pune godown of Priyank, Bist got an order from Sahil of Shimora, Karnataka for the said goods. Bist agreed to supply the said goods to Sahil and asked Priyank to deliver the goods directly to Sahil at Shimoga. मतलब build to ship to वाला concept आ रहा है इसके अंदर. You are required to determine the place of supplies in the above scenario. There are two transactions सरकार, एक Priyank और Bist के बीच में, और Priyank और Bist के बीच में जो transaction है, although आप Bist के request पे goods directly कहाँ भेज रहे हो, साहिल के यहाँ पे जो कहा है कर्नाटका, उससे में मतलब नहीं है सर. सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इस ट्रांजेक्शन में प्रियांक और बिस्ट के केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बिस्ट होगा, मतलब बरेली यूपी ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्रियांक और बिस्ट के ट्रांजेक्शन के लिए बिल टू शिप टू में. और सर सेकंड ट्रांजेक्शन किसके बीच में, मिस्टर बिस्ट और साहिल के बीच में, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो रहा है सर, शिमोगा में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा शिमोगा, मतलब जो गुड्स प्रियांक पुणे के ऐसे निकली डायरेक्टली कहा गई शिमोगा, उसके लिए बिस्ट ने जो बिल लिखा होगा किसको, साहिल को, उस ट्रांजेक्शन के लिए सेकंड सप्लाई के लिए प्लेस सप्लाई विल बी साहिल का प्लेस विच इज शिमोगा इन कर्नाटका. और ट्रांजेक्शन 1 जो प्रियांक और बिस्ट के बीच में ट्रांजेक्शन, उसके लिए प्लेस सप्लाई इज द बिस्ट का लोकेशन विच इज उत्तर प्रदेश बरेली. ओके माहौल. सर क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर अंडर सेक्शन 87 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. सर सेक्शन 87 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट अमलगमेशन मर्जर के केस में बोलता है, अगर कोई दो कंपनी मर्ज होती है, अमलगमेट होती है, तो ऐसे केस में देखो, फॉर एग्जांपल दो कंपनीज अमलगमेट हो रही है, मर्ज हो रही है 14 फरवरी. सर 14 फरवरी को कंपनीज की बात कर रहा हूँ सर मैं, वो अमलगमेट हो रही है, मर्जर हो रही है, तो सर उनका अप्रूवल जाता है कोर्ट में, उनका एप्लीकेशन जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट से अप्रूवल मिलेगी तब जाके वो अमलगमेट या मर्जर होगी, पहले अमलगमेशन मर्जर नहीं होता है. ओके तो सर कोर्ट जब उसका अप्रूवल देगा तब से वो अमलगमेट होगी. अच्छा अब मान लो 14 फरवरी को उन दोनों ने अमलगमेशन मर्जर का डिसीजन लिया और उसकी एप्लीकेशन गई कोर्ट में, कोर्ट ने अप्रूवल दिया कब सर, 10 जून को मान लो. अब 10 जून को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया अमलगमेशन मर्जर का, बट दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम 14 फरवरी, पर फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट,
टिल 10th of June दोनों कंपनी को अलग अलग कंपनी मानेंगे, डिफरेंट पर्सन मानेंगे, और दोनों ने आपस में 10th of June तक जो आपस में 9th of June तक सॉरी जो भी सप्लाई किया होगा, सिंस दोनों के जीएसटी नंबर अलग अलग है, दोनों डिफरेंट पर्सन है, दोनों ने आपस में जो ट्रांजेक्शन की उस पर जीएसटी लगता जाएगा, और जो परचेज करने वाली कंपनी है उसको अगर आईटीसी मिलता है आईटीसी मिल जाएगा, और सर जिसने सप्लाई किया वो जीएसटी लगा के बिल देगा सर, मतलब दोनों को एक कंपनी नहीं मानना है, क्लियर? तो 10th June तक दोनों कंपनी अलग अलग कंपनी चलाएगी, 10th June से एक कंपनी हुई, उसके बाद ट्रांजेक्शन जो होंगे उसकी बात अलग हो जाएगी सर, क्लियर? डन, ये सेक्शन 87 था माहौल। क्वेश्चन नंबर 16, अरे सर सारे के सारे क्वेश्चंस बुक में जो आपने प्रोविजन पढ़े उसे याद आ रहा है सर आपको? कंफर्म, गुड सर, आइए क्वेश्चन नंबर 16, एग्जामिन वेदर द सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ध्यान रखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, इस बार जो अमेंडमेंट आया है कंपोजिशन स्कीम में, प्लस जो आपका सर्विस प्रोवाइडर का कंपोजिशन स्कीम इस बार जो आया, कंसेशन रेट और रेट ऑफ टैक्स जिसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन 2 of 2019, उसका इंप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस और नॉट। Is there any other option available for concessional tax payment with any of these suppliers wherever composition scheme cannot be available? अगर composition मिलता है तो मिलेगा, वो अगर नहीं मिलता है तो क्या उसको concessional rate का option मिलेगा? ये question है, simple सा। Okay, इसमें A point, तीन चार cases हैं इसमें। A point, Messrs Devlok, a registered dealer is dealing in intra-state trading of electronic appliances in Jaipur, Rajasthan. Okay, intra-state supply कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, registered है, electronic item का है, कोई दिक्कत नहीं, Rajasthan में, okay माहौल। It has turnover of rupees 130 lakh in the preceding financial year. Okay, चलेगा सर। Composition scheme में लिखा है section number 10 में कि अगर आपका previous year का turnover 1.5 crore से कम है तो current year में आप composition scheme ले सकते हो। In the current financial year, it has also started providing repairing services of electronic appliances. अच्छा, trading तो करते ही करता है, आप repairing service भी शुरू करना चाह रहा है। Yes, इस बार जो amendment हुआ वो supporting services भी आप supply कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका turnover 1.5 crore से कम था previous year में, तो करंट ईयर में जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता है, यू कैन अवेल द कंपोजिशन स्कीम। पर सर्विसेज अगर आप करंट ईयर में प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए एक लिमिट देती है टर्नओवर की, कि प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर व्हिच इज 1 करोड़ 30 लाख, उसका 10% मतलब 13 लाख और रुपीस 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, मतलब 13 लाख और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, कितना 13 लाख, तो 13 लाख तक की रिपेयरिंग सर्विस करंट ईयर में प्रोवाइड कर सकता है, उसे क्रॉस करेगा तो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा, नहीं तो कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है। बी, Messrs Narayan and Sons, a registered dealer is running a Khana Khazana restaurant near City Palace in Jaipur. Wow. Sir, restaurant service providers are also eligible for composition scheme under section number 10. Mahul, it is turnover of rupees 140 lakh in the preceding financial year. In the current financial year, it has also started dealing in intra-state trading of beverages in Jaipur, Rajasthan. Beverages nahi, beverage nahi hoy, beverages. Sir, तो इसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.4 करोड़ था, करंट ईयर में एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए, जब तक इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक। ओके, अब ये अगर एलिजिबल है तो सर करंट ईयर में इसने ट्रेडिंग भी शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ट्रेडिंग का टर्नओवर प्लस रेस्टोरेंट का टर्नओवर जब 1.5 करोड़ क्रॉस करेगा करंट ईयर में, तब ये कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा, अदरवाइज कंपोजिशन ले सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, डन, ये एलिजिबल है कुल मिलाकर। पॉइंट नंबर सी, मेसर्स इंदिरा एंड ब्रदर्स अ रजिस्टर्ड डीलर इज प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट जो हुआ इस बार उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड के लिए टर्नओवर का लिमिट 75 लाख ओनली। पहले उत्तराखंड एक्सेप्शन में कवर था, उत्तराखंड एक्सेप्शन में कवर नहीं है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर है और 75 लाख का लिमिट है। देखते हैं क्या बोलता है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उत्तराखंड में, इट इज टर्नओवर रुपीज 70 लाख इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, चलेगा चलेगा चलेगा, एलिजिबल है। इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड डिसकंटिन्यूड रेंडरिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज। ओहो सर, नो डाउट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर का 70 लाख था, करंट ईयर में एलिजिबल था उस वजह से, पर सिंस करंट फाइनेंशियल में रेस्टोरेंट सर्विस बंद कर रहा है और केवल एक्सक्लूसिवली इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस दे रहा है, और अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो आप सेक्शन नंबर 10 की कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब हम देखते हैं क्या वो कंसेशन रेट ऑफ टैक्स वाला नोटिफिकेशन नंबर 2 of 2019 के लिए एलिजिबल है क्या। उसमें बोला है आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए, तो ये आप एलिजिबल हो नोटिफिकेशन नंबर 2 of 2019 के कंसेशनल टैक्स वाले बेनिफिट के लिए। पर इस केस में सिंस इसका टर्नओवर 70 लाख रुपए था इसलिए एलिजिबल नहीं होगा, तो इसको सेक्शन 10 का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और कंसेशन रेट ऑफ टैक्स का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर डी, Messrs Him Naresh, a registered dealer, is exclusively providing intra-state architect services in Uttarakhand. Architect services. It has turnover of rupees 40 lakh in the previous financial year. Okay, sir, Uttarakhand में architect service दे रहे हो और आपका turnover कितना है सर?
40 लाख इन द प्रीवियस ईयर, तो यस इसको कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 का तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, पर यस नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019 का कंसेशन टैक्स का बेनिफिट इसको मिल जाएगा, और ऐसे केस में जब तक उसका टर्नओवर करंट ईयर में 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक ही कैन ऑप्ट फॉर कंसेशन टैक्स वाला बेनिफिट जो है कितना 3% टैक्स सीजीएसटी 3% एसजीएसटी, और आपको कंसेशन रेट का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 50 लाख से कम है और आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का माहौल डन। क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है अब, 16 खत्म होता है अब, सर ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 भी, LMN प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट एक्स व्हिच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बाय नोटिफिकेशंस इशूड अंडर रिलेवेंट जीएसटी प्रोविजंस, द कंपनी सेल्स एक्स ओनली विद इन तमिलनाडु, ओके द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर वाज रुपीज 45 लाख, ओके द कंपनी एक्सपेक्ट्स द सेल्स टू ग्रो बाय 30% द करंट ईयर, वेरी गुड, the company purchases purchased additional machinery for manufacturing x on 1st of july itself, the purchase price of the capital goods was rupees 30 lakh exclusive of gst at the rate of 18%, so gst alag se aur hai sir ispe capital goods pe, however with effect from 1st november exemption available on x was withdrawn by the central government, 1st november se x kya ho gaye taxable ho gaye and gst at the rate of 12% was imposed thereon, the turnover of the company for the half year ended 30th september was rupees 45 lakhs, okay 30 सितंबर तक 45 लाख का टर्नओवर उसका ऑलरेडी हो गया है जो एग्जिम गुड्स था उसका, और इसके पास कोई और गुड्स नहीं केवल एक्सक्लूसिवली एग्जिम गुड्स थे सर, और 1st नवंबर से गुड्स क्या हो गया टैक्सेबल, देखते क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बोइन बोलता है एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइस LMN प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट नीड्स टू गेट इट्स रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, पहली बात तो ये सेक्शन 22 बोलता है क्या रजिस्ट्रेशन की लाइव आएगी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है, पर नोटिफिकेशन 10 ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग अगर आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं होता और अगर आप केवल और केवल गुड सप्लाई करते हो वो भी इंट्रा स्टेट, तो ऐसे केस में आपका टर्नओवर का लिमिट विल बी 40 लाख रुपए फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट फ्यू स्टेट, पर उस फ्यू स्टेट में तमिलनाडु नहीं आता, मतलब तमिलनाडु के लिए इसको 40 लाख का लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, ओके पर सर एग्रीगेट टर्नओवर आपका 40 लाख क्रॉस होगा तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी, पर एट द सेम टाइम सेक्शन 23 बोलता है क्या अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम गुड सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए सिंस ऑल्दो इसका टर्नओवर 30 सितंबर तक 45 लाख हो गया है 40 लाख क्रॉस हो गया फिर भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर 1st नवंबर से इसका गुड्स क्या हो गया टैक्सेबल, अब सर टैक्सेबल गुड्स हो गया तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी, पर इसका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो जाना चाहिए, और टर्नओवर लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जिम टर्नओवर आल्सो, मतलब सर इसका अब तक का जो एक्स का सेल था जो एग्जिम था वो भी काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट ऑफ 40 लाख रुपए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो सिंस इसका 30 सितंबर तक ऑलरेडी 45 लाख का टर्नओवर हो गया था मतलब 40 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है एग्रीगेट टर्नओवर, सिंस एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट इसलिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर सिंस 1st नवंबर से इसके गुड्स क्या हो गए टैक्सेबल, सो इसको 1st नवंबर से इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी और विद इन 30 डेज फ्रॉम 1st नवंबर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड एग्जम्प्ट टर्नओवर आल्सो जो अब तक हो चुका है सेल 40 लाख क्रॉस हो चुका है, इसलिए इमीडिएटली लायबिलिटी आएगी रजिस्ट्रेशन की और सर 1st नवंबर के 30 डेज के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, माहौल सर इसका बी पॉइंट बोलता है इफ द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज अफर्मेटिव, यस अफर्मेटिव है, एडवाइस LMN प्राइवेट लिमिटेड whether it can avail input tax credit on additional machinery purchased exclusively for manufacturing X. क्या ये मशीनरी जो इसने 1st जुलाई को परचेज करी उसका ITC इसको अब मिलेगा, तो सर मैं आपको बताता हूँ सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं थे और अगर आप अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उस दिन जो स्टॉक में आपके पास इनपुट होगा उसका ITC मिलता है, कैपिटल गुड्स का ITC नहीं मिलता है, हाँ आप अगर रजिस्टर्ड होते हैं और आपके गुड्स एग्जम्प्ट होते टैक्स होते तो ऐसे केस में कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलता है, पर सिंस इस केस में ये रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए इसको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऑल्दो अब इसे गुड्स टैक्सेबल हो गए उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया फिर भी इसको 1st जुलाई वाले कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अब नहीं मिलेगा, हाँ 1st नवंबर के बाद अगर कुछ परचेस करेगा तो बात अलग हो जाएगी उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अभी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा 1st जुलाई वाली मशीन का, माहौल डन। क्वेश्चन नंबर 18 मार्क कर लीजिएगा अगेन, वेरी गुड क्वेश्चन, अमेंडमेंट जो हुआ है रजिस्ट्रेशन को लेके उसके रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी सर। क्वेश्चन नंबर 18 महादेव एंटरप्राइजेस, कौन सा सर, महादेव एंटरप्राइजेस अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ओपनड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ गुड्स एट मल्टीपल लोकेशंस दैट इज इन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड त्रिपुरा इन द मंथ ऑफ जून, इट इज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू सेल मेड एट ईच सच लोकेशन फॉर द मंथ ऑफ जून,
हिमाचल प्रदेश का टर्नओवर दे रखा है, उत्तराखंड का दे रखा है, त्रिपुरा का दे रखा है सर। इंटरेस्टेड सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स दे रखा है जो हिमाचल प्रदेश में भी हो, त्रिपुरा में भी है सर। अच्छा आपको अगर याद हो तो त्रिपुरा इज द स्टेट जहां पर टर्नओवर का लिमिट इज 10 लाख ओनली, और वहां से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो सर ध्यान रखिएगा वहां रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती है तो 10 लाख का लिमिट लगेगा। ओके, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ एग्जम गुड्स, ठीक है साहब, टर्नओवर का अमाउंट जो भी दे रखा है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक्स ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है सर, 60,000 रुपी। देन इंटरेस्टेड सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स 20 लाख और 40,000 रेस्पेक्ट दे रखा है। ऑल दिस फिगर्स आर विदाउट टैक्सेस, विदाउट जीएसटी। विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग द रीजंस। डिटरमाइन वेदर महादेव एंटरप्राइजेस इज लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। सर ये रजिस्ट्रेशन के लायबल है या नहीं और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या लगेगी, मैं आपको उसके पहले प्रोविजन रिपीट कराता हूं सर। अगर आप केवल इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो, सिंस ये केवल इंटरेस्टेड सप्लाई ही करता है, इंटरेस्टेड नहीं करता, इसलिए सारे डिटेल में कभी इंटरेस्टेड नहीं है, सारा इंटरेस्टेड ही है। अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो तो आपका टर्नओवर का लिमिट इज ओनली 40 लाख। कितना साहब, 40 लाख, 40 लाख होगा केवल इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आप। अच्छा, पर ध्यान रखना यू शुड बी एंगेज्ड ओनली एंड ओनली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं होनी चाहिए आपकी। सेकंड थिंग, कुछ स्टेट्स वहां से एक्सक्लूड किए 40 लाख की लिमिट के लिए, और चार स्टेट ऐसे जहां टर्नओवर का लिमिट इज ओनली रुपीज 10 लाख। तो इन सबको मैं कंक्लूड करूँ तो चार स्टेट कौन कौन से सर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, ये चार स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपकी ब्रांच है तो टर्नओवर का लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड में लिमिट कितना है, 20 लाख का है, और उसके अलावा सारे स्टेट में कितना है सर, 40 लाख का लिमिट लगेगा अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई ही करते हो वो भी गुड्स का। तो सर सिंस इसका एक ब्रांच का है त्रिपुरा में जहां से ये टैक्सेबल सप्लाई करता है, क्योंकि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 20 लाख क्रॉस कर जाएगा क्योंकि 40 लाख का बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये तमिलनाडु में भी है और उत्तराखंड में भी है सर। तमिलनाडु क्या, त्रिपुरा और उत्तराखंड में, इसलिए इसको टर्नओवर का लिमिट 20 लाख का ही लगेगा, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में इसलिए 10 लाख का। पर देखो एक बार त्रिपुरा का प्रोविजन क्या बोलता है सर, अगर पहली बात तो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 बोलता है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 20 लाख क्रॉस करता है तो यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन एवरी सच स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। आप देखो अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई त्रिपुरा से है तो आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी त्रिपुरा में आएगी, और त्रिपुरा में अगर लायबिलिटी आएगी तो लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। क्या त्रिपुरा से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो? यस, आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन था इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स। हिमाचल प्रदेश से 22.5 लाख और त्रिपुरा से कितना है, 7 लाख। सिंस त्रिपुरा से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखे अगर हम चारों को टर्नओवर को ऐड कर देंगे हम तो ऑब्वियसली मोर देन 40 लाख जा रहा है, ये तो 10 लाख तो क्रॉस कर गया है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। कहाँ कहाँ आएगी सर? त्रिपुरा में आएगी और हिमाचल प्रदेश में आएगी। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में लायबिलिटी नहीं आएगी, रीजन बिंग उत्तराखंड से एक्सक्लूसिवली आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। क्लियर, डन सर। सिंस त्रिपुरा से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो इसलिए टर्नओवर का लिमिट विल बी 10 लाख और 10 लाख क्रॉस कर गया है इसलिए रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। एग्री टर्नओवर में एग्जेम्प्ट टैक्सेबल दोनों काउंट होते सर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका बोलता है एक्सप्लेन विद रीजंस वेदर योर आंसर इन वन विल चेंज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। फर्स्ट मतलब ये सारे इंडिपेंडेंट केसेस सर। इफ महादेव एंटरप्राइज इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अगर केवल केवल हिमाचल प्रदेश से डील कर रहा है, कहां से डील करता सर? हिमाचल प्रदेश से। सर हिमाचल प्रदेश स्पेशल स्टेट में कवर नहीं है। सेकंड थिंग, वो एक्सक्लूजन जो दे रखे 40 लाख के लिमिट के लिए उसमें भी कवर नहीं है, इसलिए आप अगर हिमाचल प्रदेश से सप्लाई करते हो केवल और केवल तो वहां लिमिट इज 40 लाख रुपी, और सिंस आपका टर्नओवर केवल 22.5 लाख ही गया है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में टैक्सेबल गुड्स का, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 40 लाख, इसलिए यू नीड नॉट गेट योर सर्वेशन हिमाचल प्रदेश। अगर आपका केस केवल आप ये है कि आप केवल और केवल सप्लाई कर रहे हो कहां से, हिमाचल प्रदेश से सर। सेकंड, इफ महादेव एंटरप्राइज इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फॉर हिमाचल प्रदेश, सिंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो अगर आप हिमाचल प्रदेश से, तो सर 40 लाख वाला बेनिफिट केवल और केवल गुड्स के लिए मिलता है, आपको 20 लाख का बेनिफिट ही मिलेगा, और 20 लाख क्रॉस हो गया तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सिंस आपका टर्नओवर कितना है 22.5, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि लिमिट कितना है 20 लाख, क्योंकि सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो इसलिए आप 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता। थर्ड, इफ महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड हैज आल्सो इफेक्टेड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4 लाख, सरकार आप केवल और केवल गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, पर सर सिंस आप इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहे हो इसलिए 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता, 40 लाख का बेनिफिट तभी मिलता जब आप इंटर स्टेट सप्लाई ही करते हो, इसलिए आपका टर्नओवर सिंस 22.5 क्रॉस हो गया, 20 लाख क्रॉस हो गया है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग,
20 लेख का बेनिफिट भी यहां नहीं मिलता, क्योंकि आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सर। इसलिए इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होते ही आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 18। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 19, डिलिजेंट फोर्स अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल ऑफ एप्टीट्यूड क्वेश्चन प्रिंटेड फ्रॉम दुर्गा प्रिंटिंग हाउस अ प्रिंटिंग प्रेस। द कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय Diligent Force, who owns the usage right of the same, while the physical input, including paper used for printing, belong to Durga Printing House. Okay, हमने सर्कुलर पढ़ा हुआ है इसलिए। Ascertain whether supply of training material by Durga Printing House constitutes supply of goods or supply of services. Sir, Durga Printing Press क्या कर रहा है? Training material का print कर रहा है, books print कर रहा है एक तरह से। Sir, उसमें paper भी उसी का, ink भी उसका और printing की service भी उसकी है। तो sir These are composite supply. क्यों? क्योंकि ordinary course of business में ही naturally bundled होता है, साथ में supply होता है, तो ये क्या हो गया? Composite supply. और whenever supplies are composite supply, तो principal supply जो होता है उसमें classify करेंगे entire supply को। और since इस particular case में circular भी आया हुआ है और industry norms के हिसाब से printing is more essential. Printing is the principal supply. Supply of paper is not the principal supply. इसलिए entire transaction को supply of printing service में classify करके accordingly provision apply. Clear? Done. हमने चैप्टर नंबर 2 जो सप्लाई का चैप्टर है हमारा लेवी वाला चैप्टर, उसमें सर्कुलर भी इसका रिगार्डिंग पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, इन एन ऑर्डर डेटेड 20th August इशू टू जीएच प्राइवेट लिमिटेड द जॉइंट कमीशन ऑफ सीजीएसटी हैज कंफर्मड अ सीजीएसटी डिमांड ऑफ 280 करोड़। माहौल, द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड ऑफ सीजीएसटी एंड वांट टू नो हाउ मच प्री डिपॉजिट इट हैज टू मेक अंडर द सीजीएसटी एक्ट फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। सर, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है तो प्री डिपॉजिट कितना करना, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो सर, अपीलेट अथॉरिटी के लिए इस बार अमेंडमेंट आया, ध्यान है सर आपको? सर, 10% ऑफ द टैक्स का अमाउंट जो डिस्प्यूटेड है और 25 करोड़ व्हिचएवर इज हायर व्हिचएवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। सर, मैक्सिमम 25 करोड़ इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। तो 10% ऑफ 280 करोड़ कितना होता है? 28 करोड़ और 25 करोड़ व्हिचएवर इज लेस, कितना? 25 करोड़ इज द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट एज अ प्री डिपॉजिट इन दिस केस व्हाइल फाइलिंग अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। Assuming that, this is the second part, assuming that the appellate authority also confirms the order of the joint commissioner and the company wants to file an appeal before appellate tribunal against the order of the appellate authority, how much amount of pre-deposit it has to make under the CGST Act for filing the said appeal? Double. Kitna? 20% of the amount of duty involved in dispute or 50 crore, whichever is lower. So sir, 280 crore ka 20% hai 56 crore or 50 crore, whichever is lower. 50 करोड़, तो 50 करोड़ इज द प्री डिपॉजिट अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर केस। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन के अलावा एक जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपने जो 25 करोड़ प्री डिपॉजिट किया था अपीलेट अथॉरिटी के सामने, उसके अलावा एडिशनल अमाउंट 50 करोड़ आपको और डिपॉजिट करना पड़ेगा टू फाइल अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर? डन। क्वेश्चन नंबर 21, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन नंबर 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सीजीएसटी एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आईटीसी का क्वेश्चन है सर। पॉइंट नंबर 1, MBF Limited, an automobile company, has availed works contract service for construction of a foundation on which a machinery to be used in production process is to be mounted permanently. Sir, अरे बच्चों, works contract service, construction service या कोई भी goods जो construction of immovable property में काम आया, उसका ITC कभी नहीं मिलता है as per section number 17 subsection 5। पर अगर आप प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कोई भी गुड्स या कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस यूज करते हो तो यस, उसका आईटीसी आपको मिलता है। क्लियर? ये उसका एक्सेप्शन था, हाँ है ना? और अगर आप कोई फाउंडेशन बनाते हो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, तो फाउंडेशन भी प्लांट और मशीन की डेफिनेशन का पार्ट बनता है। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल करी है, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए इसका पॉइंट नंबर 2, शाह एंड कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर्ड सीमेंट पेंट iron roads and services of architect and interior designers for construction of a commercial complex for one of its client. Okay, sir, construction services, construction of immovable में ये सब goods या service जो काम है तो उसका credit नहीं मिलता। पर if you are engaged in providing construction services to your client या works contract service to your client, तो yes, आपको ITC मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस particular case में आप commercial complex बना रहे हो अपने client के लिए, so you are providing construction services और works contract services to your client, उसके लिए सारे goods या सारे service काम है, उसका आपको ITC मिल जाएगा। Third, क्योंकि क्लाइंट के लिए बना रहे तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें काम होने ले सारी इनपुट सर्विस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एबीसी लिमिटेड अवेल्ड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम जग्गी मोटर्स फॉर अ ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट्स फिनिश्ड गुड्स।
ओहो, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का क्रेडिट मिलेगा कि मिलेगा मोटर व्हीकल का? पहली बात तो मोटर व्हीकल का अगर क्रेडिट मिलता है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का क्रेडिट मिलता है। और ये मोटर व्हीकल कौन सा सर? ट्रक है, विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, और मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द बिजनेस, उसका आईटीसी मिलता है। तो ट्रक का आईटीसी इसको मिलता है, इसलिए उसके रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट की सर्विस का क्रेडिट भी इसको मिल जाएगा, ये ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं है। डन माहौल सर, जीएसटी के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आगे हम कस्टम से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूट एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्सपोर्ट एफओबी प्राइस ऑफ द गुड्स $50,000। सर एक्सपोर्ट में सीआईएफ नहीं निकालते, एफओबी हमारा इंडिया तक का कॉस्ट का पार्ट, इंडिया इंडिया पोर्ट तक का कॉस्ट है सर, उसी को हम वैल्यू मानते हैं। तो 50,000 शिपिंग बिल प्रेजेंटेड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन 26th of April, proper officer passed order permitting clearance and loading of the goods for export. Let export order मिला आपको कब? 6th of May को मिला है सर। Rate of exchange and rate of export duty are as under. Sir, rate of exchange next point number 5 दे रखा है। Rate of exchange is notified by for export by CBIC. Done. CBIC के rate of exchange लेना है सर अपने को। Okay. अरे बहुत simple सा question है सर। Rate of exchange कब का लेंगे? जिस दिन shipping bill file किया उस दिन का। वो कब file किया? 26th April को rate of exchange क्या है? 70 rupees. तो डॉलर 50,000 इंटू रुपीज 70, ये आ गया वैल्यू। ओके, रेट ऑफ ड्यूटी कब करेंगे? जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला अंडर सेक्शन 51, वो मिला कब? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब मिला सर? 6th मई को। 6th मई को रेट ऑफ ड्यूटी कितना है? 8%। तो 8%, तो $50,000 इंटू रुपीज 70 इंटू 8%, 8% जो आएगा अमाउंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ ड्यूटी विच इज पेबल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। और सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सपोर्ट केस में नहीं लगता, वो केवल इंपोर्ट में लगता। क्लियर? डन। आइए क्वेश्चन नंबर 23। Answer the following questions with reference to provisions of the duty credit scripts under exports from India scheme under FTP 2015-2020. First case, sir, duty credit script आपको आती है सर, ध्यान रखिएगा। Neha provides services eligible for SEI scheme. She want to sell SEI scripts earned by her. Can she do so? Yes, बिल्कुल। SEI scheme के through अगर आपने services export करी है, उसके लिए जो आपको SEIS duty credit script मिला है सर, उसका फ्रीली बेच सकते हो मार्केट में, इट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इसमें। क्लियर? आप बेच दो, कोई और इसको यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जीएसटी पर्पस के लिए, वैसे जीएसटी का पॉइंट नहीं जिस बता रहा हूं मैं आपको, जीएसटी पर्पस के लिए इनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट गुड्स मानते हैं। और जस्ट बता रहा हूं नॉलेज के लिए कि टैरिफ के अंदर इन गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स है निल, जीरो, मतलब जीएसटी नहीं लगता, पे नहीं करना, जीएसटी के लिए गुड्स तो मानते हैं और इनको फ्रीली बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, कैन अ मैन्युफैक्चरर इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द इनपुट सोर्स द सेम इंडिजिनसली विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी? नो सर, ध्यान रखना, अगर आपके पास ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है तो ऐसे केस में आप कुछ भी इनपुट इंपोर्ट कर सकते हो, कस्टम एग्जम्प्ट हो जाएगा उसके अगेंस्ट, एक्साइज सर्विस टैक्स एग्जम्प्ट था, पर सर जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है। जीएसटी प्रोविजन में ऐसा कोई, जीएसटी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के अगेंस्ट आप कुछ भी गुड्स या सर्विस सप्लाई कर दो विदाउट जीएसटी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए जीएसटी तो लगता है सर। एन एक्सपोर्टर वॉज इश्यूड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट डेटेड 15th of July, वट इज द पीरियड विद इन विच ही मस्ट यूटिलाइज द स्क्रिप्ट? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अगर आपको इश्यू होता है तो 18 महीने, 18 मंथ के अंदर अंदर आपको स्क्रिप्ट को यूज करना होता है, या फिर यू कैन ट्रांसफर द क्रेडिट टू एनीबडी एल्स। क्लियर? पर 18 महीने इसकी वैलिडिटी रहती है सर, आप 18 महीने के अंदर इसको यूज कर सकते हो। फोर्थ, एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड लेदर फुटवेयर थ्रू कुरियर यूजिंग ई कॉमर्स ऑफ वैल्यू ₹24,000। ओके, ई कॉमर्स थ्रू अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स को, तो आपको 5 लाख तक के पर एक्सपोर्ट, पर शिपमेंट 5 लाख तक की वैल्यू तक का गुड्स का आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं सर। कैन ही अप्लाई फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अंडर MEIS स्कीम? यस, सिंस ओनली 24,000 का गुड्स ही है, यस ही कैन अप्लाई। सर ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई किया, 5 लाख तक के मटेरियल तक आपको एफओबी वैल्यू का आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलता है, MEIS का मिल जाएगा, इस केस में कोई दिक्कत नहीं सर। खत्म। आइए 24th, लास्ट दो क्वेश्चन बचे सर आपके लिए। 24th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सेक्शन नंबर 9A सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, मतलब एंटीडंपिंग ड्यूटी, mention the ways that constitute circumvention of anti-dumping duty imposed on an article which may warrant action by the central government. Sir, circumvention का मतलब होता है आपने ऐसा कोई unfair काम किया, unfair activity करी जिसकी वजह से आपका anti-dumping duty लगना चाहिए था, पर आप avoid कर रहे हो, मतलब duty बचाने के लिए आप कोई unfair काम कर रहे हो, ऐसा कोई काम अगर आपने किया है तो ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से central government को action लेना पड़ेगा? वो काम कौन सा सर? हमने पढ़ा था सर, आपने क्या किया एंटी डंपिंग ड्यूटी बचाने के लिए, कोई गुड्स को कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके मंगा लिया, या गुड्स का नाम चेंज कर लिया, गुड्स का डिस्क्रिप्शन चेंज कर लिया, गुड्स का डिसअसेंबल फॉर्म में मंगा लिया, अनअसेंबल फॉर्म में मंगा लिया, या गुड्स का कंपोजिशन चेंज करके गुड्स को मंगा लिया आपने, या किसी और मैनर से आपने गुड्स को इंपोर्ट किया टू अवॉइड द एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इमीडिएटली टेक द एक्शन टू चार्ज द एंटी डंपिंग ड्यूटी इन ऑल सच केसेस। क्लियर? डन। लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स,
2017 briefly explain whether an exporter who has already filed a duty drawback claim under all industry rate can file an application for fixation of special blend rate. No, sir, हमने पढ़ा था rule number 7 of customs and central excise duties drawback rules 2017. उसका rule number 7 बोलता है special blend rate के लिए आप apply कर सकते हो, पर उन्हीं cases में जहां पे आपने all industry rate के लिए apply नहीं किया. अगर आपने all industry rate के लिए apply कर दिया तो you are not eligible to apply for special blend rate. Clear? Special blend rate के लिए apply कर सकते हो कब? अगर आपको all industry rate से जो drawback मिल रहा है वो आपके actual जो duties आपने pay करी inputs पर उसका 80% भी drawback नहीं है as per AIR, तो ऐसे केस में you can apply for special blend rate. पर special blend rate में अगर आपको apply करना तो एक condition है, क्या? Rule number 7 में लिखा है except where you have applied for all industry rate you can apply for special blend rate. मतलब आपने अगर all industry rate के लिए apply कर दिया तो you can't apply for special blend rate. क्लियर? तो अगर आपको स्पेशल ब्रांड रेट अप्लाई करना है तो ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई नहीं करना है. तो आपको ऑल इंडस्ट्री रेट या ब्रांड स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करने से पहले सोचना है कि आपको एआईआर चाहिए या स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना है. क्लियर? पक्का? तो इस केस में सिंस आपने एआईआर मतलब ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई किया तो आप स्पेशल ब्रांड रेट के लिए एलिजिबल नहीं हो. इसी के साथ भारत माता की जय, पूरा आरटीपी सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. अब आई होप सर आपको सारे पॉइंट समझ में आए, आई होप पूरा आरटीपी आपको समझ में आया, आई होप बहुत कम समय में पूरा आरटीपी आपका क्लियर हो गया, पूरा आपने पढ़ लिया, समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए. आपने आरटीपी जब सोल्व किया, अभी जब सुना होगा सारे ये लेक्चर्स, तो आपको लगा होगा सर आरटीपी के सारे क्वेश्चन भी आपको आते हैं. अगर आपको सारे प्रोविजंस आते हैं, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने रिविजन लेक्चर्स को बार बार सुना है, तो आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रहेंगे, याद रहेंगे, और एग्जाम डे आपको टेंशन नहीं आएगी. सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक सर, डू योर बेस्ट, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रूव योरसेल्फ, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, जस्ट अपने आप पे विश्वास रखिए, एग्जाम हॉल में जब जाए अपने भगवान को याद रखिए और अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान रखिए. सर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट टैक्स का जब पेपर आपका खत्म होगा, लास्ट पेपर आएगा इंडायरेक्ट टैक्स का, ध्यान रखिए उस दिन को वेस्ट नहीं करना जब आप एग्जाम देके आते हो. एग्जाम देके आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो, रिफ्रेश कर लीजिए अपने आप को, उसके बाद लग जाइए रिविजन पे. सर आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप क्या करिएगा, डायरेक्ट टैक्स का पेपर देने के बाद, डायरेक्ट टैक्स का पेपर देने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब आप वापस रिफ्रेश होते हो, इमीजिएटली आप रिविजन लेक्चर्स जो मैंने यूट्यूब पर डाले हुए, आपको पता है हर चैप्टर वाइज मैंने डाला हुआ है, उन लेक्चर्स को यूज करते हुए रिविजन शुरू कर दो. तो उससे क्या आपकी स्पीड बन जाएगी और आपका रिदम बन जाएगा, और पहले पेपर्स में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आप भूल जाएंगे और इंडायरेक्ट टैक्स में लग जाएंगे. क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और सर डू योर बेस्ट, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रूव योरसेल्फ, और वक्त आपका है. थैंक यू सो मच.